नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टरों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा कन्नौज जिले के पास हुआ था, जब डॉक्टर लखनऊ से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस सैफई लौट रहे थे। हादसा तड़के लगभग 4 बजे हुआ, जब उनकी कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मृतकों की पहचान डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा, डॉक्टर जयवीर सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार और डॉक्टर नरदेव के रूप में हुई। सभी मृतक डॉक्टर पीजी कर रहे थे। इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए हादसे पर गहरी संवेदनाएं जाहिर की है और सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। इस घटना पर और क्या जानकारी दी गई, पहले तो आपको वो सुनाते हैं। ये लगभग घटना सुबह 3:30 बजे की है, क्योंकि हमारे पास एक यूपीडा वाले ये जो वैन है वहाँ की वो लेकर आई है, जिसमें कि टोटल 6 पेशेंट्स आए, जिसमें से जो है ब्रॉड डेड थे, 5 ब्रॉड डेड हैं, एक काफ़ी क्रिटिकली इंजर्ड है, सीवियर हेड इंजरी है, उसको हम मैनेज कर रहे हैं, और टोटल 6 लोग थे। और ये जो कि जैसा कि बताया गया है कि कोई इनोवा कार थी, वो ट्रक में घुस गई। हाँ, ये पता चल रहा है कि वहाँ ये सैफई यूनिवर्सिटी में ये सब लोग पीजी कर रहे हैं, ये पीजी स्टूडेंट्स हैं। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता असित यादव भी जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। असित, बताइए पूरा मामला क्या है, किस तरीके से यह दुर्घटना घटित हुई है। हाँ देखिए, पूरी घटना जो है वो लगातार सुबह के समय की बताई जा रही है, लगातार सोशल मीडिया टीवी पर भी चल रही है, चैनलों पर भी चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज आप देख रही होंगी। लगभग 3:30 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सैफई से लखनऊ के लिए एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए इटावा से सैफई से लोग पहुंचे हुए थे, और वापसी आते समय ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और उसके बाद एक ट्रक में जा घुसी, उसके बाद का ये पूरा हादसा है। मौके पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा हुआ था, कोतवाली क्षेत्र का ये वहां का मामला है पूरा कन्नौज का, और उसमें एक अहम जानकारी निकल कर की आई है, जो सुबह से खबर मीडिया पर चल रही है उसमें कुछ बदलाव आया है। सही जानकारी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी दिखाया जा रहा है कि 5 डॉक्टरों की उसमें मृत्यु हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि उसमें 3 डॉक्टर है और 2 स्टाफ है और 1 डॉक्टर जो है जयवीर, उनका अभी उपचार सैफई में चल रहा है। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और सैफई में लगातार उपचार चल रहा है। परिवार जन यहाँ पहुंचे हैं अपने अपने जिले में, उनके जो सब है वो अपने अपने जिले में भेजने की तैयारी में यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कार की किसी से टक्कर नहीं हुई बल्कि कार खुद अनियंत्रित हुई है, क्या इस तरीके की कोई जानकारी सामने आ रही है कि कार जो है किस वजह से अनियंत्रित हुई, नींद आने की वजह से या कोई और वजह सामने आ रही है? जी देखिए, जानकारी के मुताबिक खबर ये है कि कार की जो स्पीड थी वो लगभग 100 के पार थी और अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकराई और उसके बाद ट्रक में जाकर के कार जो कार है वो ट्रक में जाकर के घुसी है। जी, तो इस हादसे के बाद परिवार का क्या हाल है, वहाँ परिवार के लोग पहुँच चुके हैं और किस तरीके से जो है वहाँ पर प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम को जो है नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, क्या कुछ वहाँ पर अभी इस वक्त की हलचल है? जी, लगातार ही सुबह से यहाँ सैफई में हम लोग बने हुए हैं, अपनी नजर बनाए हुए हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, CO फोर्सिस के लेकर के यहाँ के जो और भी अधिकारी हैं, कौशल किशोर से लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और अधिकारियों का कहना ये है, हम लोगों ने बातचीत भी की है तो वो ये कह रहे हैं कि जिस जिस जिले से ये लोग आते थे उनके जिलों में इनके सबको भेजने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं, और जिनका यहाँ उपचार चल रहा है उनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, उनके लिए उनका परिवार यहाँ पहुंच चुका है, और प्रशासन और डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है जो उनका उपचार कर रही है। 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, लगातार निगरानी बनाए हुए है, हालांकि कंडीशन इतनी अभी अच्छी नहीं बताई जा रही है, क्रिटिकल कंडीशन में अभी है, बॉडी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही है, डॉक्टरों का कहना ये है। जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे जो है दर्दनाक हादसे का संज्ञान दिया है और कहा है कि हर मदद का आश्वासन दिया है,
लेकिन क्या इस पूरी घटनाक्रम में कहीं कोई मुआवजे की बात सामने आ रही है, कहीं इस तरीके का कोई आर्थिक मदद की बात सामने आ रही है, इस तरीके की कोई चीज सामने आई है? जी अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी मुआवजे की बात की गई हो किसी तरीके से, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जरूर मांग की है कि परिजनों जिनके भी जो परिजन है जितने लोग इस घटना में मृत्यु हुई है उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग लगातार उठा रहे हैं, और यहाँ तक वो तो ये नौकरी की भी मांग उनके बर्बाद लोगों के लिए की है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार प्रशासन और सरकार इस पर आज किस तरीके से काम करती है, अब आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे मसले पर हमें जानकारी देने के लिए। देखा जाए तो इस हादसे ने पूरे मेडिकल समुदाय को हिलाकर रख दिया है और डॉक्टरों की मौत पर जिले भर में शोक की लहर है। प्रशासन ने दुर्घटना की जांच भी शुरू कर दी है। आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि आखिर दुर्घटना का असल कारण क्या था। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।